नमस्कार दोस्तों, एशियन गेम्स में भारत के गोल्ड मेडल जीतने पर भारत के सीनियर खिलाड़ियों का आया बड़ा बयान, जहां विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा से लेकर बुमराह तक ने दे दिया बड़ा बयान। कहा कुछ ऐसा कि जिसे सुनकर आप ही भारतीय खिलाड़ियों को करोगे सलाम। तो क्या है पूरी खबर, आखिरकार भारतीय खिलाड़ियों ने क्या कुछ कहा, भारत के गोल्ड जीतने पर सब कुछ आज आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एशियन गेम्स का फाइनल हो गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एशियन गेम्स का फाइनल भारत और अफगानिस्तान के बीच में खेला गया था, लेकिन यह महज बारिश की वजह से रद्द हो गया। लेकिन इस टूर्नामेंट का विजेता है जो भारत को घोषित किया गया, जिसकी वजह से भारत ने एशियन गेम का गोल्ड जीत लिया है। वहीं अब भारत के गोल्ड जीतने पर भारतीय खिलाड़ियों का रिएक्शन सामने आया है। तो किसने क्या कहा, आइए आपको बताते दोस्तों। सबसे पहले भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने बात करते हुए कहा कि भारत को गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई, भारत ने काफी शानदार प्रदर्शन किया है, खास तौर पर भारत का इस पूरे टूर्नामेंट में प्रदर्शन बेहतरीन था। बाकी ऋतुराज गायकवाड़ ने जो कप्तानी की है इस टूर्नामेंट, वो लाजवाब। गायकवाड़ ने बता दिया है कि वो आने वाले भविष्य के कप्तान है। टीम इंडिया के बाकी जायसवाल ने भी काफी शानदार प्रदर्शन किया है और उम्मीद करता हूं कि आगे भी भारत की युवा टीम ऐसा ही प्रदर्शन करे। इसके अलावा विराट कोहली ने बात करते हुए कहा कि मैं भारत को गोल्ड मेडल जीतने के लिए बधाई देना चाहता हूं। भारत ने पूरे इस टूर्नामेंट में डोमिनेंट किया है जो कि लाजवाब, बाकी आगे भी यही उम्मीद करता हूं कि भारत ऐसा ही प्रदर्शन करेगी और भारत को कहीं और गोल्ड मेडल जीता। एक बाकी इस टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है, चाहे वो गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, लेकिन इस टूर्नामेंट में जो बल्लेबाजी तिलक वर्मा और गायकवाड़ ने की, उसे देखकर मजा आ गया। मुझे इन दोनों में भारत का फ्यूचर दिखता है। जिसके बाद में हार्दिक पांड्या ने बात करते हुए कहा कि भारत ने क्या लाजवाब प्रदर्शन किया इस पूरे टूर्नामेंट, भारत ने मेरा दिल ही जीत लिया, बाकी मुझे यही उम्मीद है कि भारत के ये खिलाड़ी आगे भी ऐसा ही प्रदर्शन जारी रखें। लेकिन इस टूर्नामेंट में भारत की बल्लेबाजी देखने में मजा ही आ गया, क्योंकि जिस तरह से शुरू में तिलक वर्मा और छह सवाल बल्लेबाजी कर रहे थे वो शानदार था। रिंकू ने भी इस टूर्नामेंट में काफी शानदार बल्लेबाजी की, उनकी बल्लेबाजी देखकर धोनी भाई की याद आ गई। बाकी मुझे तो यही लगता है कि रिंकू जरूर धोनी भाई की जगह लेगा और टीम इंडिया के लिए एक फिनिशर बनेगा। जिसके बाद में जसप्रीत बुमराह ने बात करते हुए कहा कि भारत की युवा टीम ने मेरा दिल ही जीत लिया, भारत ने जिस तरह से एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है उसी तरह से हम भी वर्ल्ड कप जीतेंगे। बाकी इस टूर्नामेंट में भारत की पूरी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, भारत को गोल्ड मेडल जीतने पर मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। भारत को इस टूर्नामेंट में जीत दिलाने में सबसे अहम योगदान मेरे हिसाब से जायसवाल कर रहा है, क्योंकि पहले मैच में जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की उसका मैं फैन हो गया। बाकी अब उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से भारत ने गोल्ड जीता है उसी तरह से मैं भी भारत को वर्ल्ड कप जिताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत जिस तरह से एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीती है उस तरह से भारत वर्ल्ड कप जीत पाएगी या नहीं, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।